हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए जी, क्या हुआ ना, जो बारिश हुआ था कल, बारिश हुआ था तो बारिश की वजह से मैं जो प्याज लगाई थी, थोड़ा थोड़ा प्याज हुआ है। तो क्या हुआ ना, मुझे पता नहीं था, मैं सोच रही थी 2-3 दिन रख दूँगी और अच्छे से मिट्टी सूख जाएगा तो अच्छी तरह अच्छा होगा। मतलब जो प्याज भी जो होगा उसको खाने में भी उसको, मतलब वो जो प्याज खराब नहीं होगा, यही सोची। लेकिन मेरे बहन ने, मैं उसको फ़ोन करी कि क्या करूं मैं, उसको 2 दिन सूख जाए तो उसको मैं उखाड़ूंगी। तो बोली नहीं नहीं कल सुबह तुम ऐसे करो दीदी, ऐसे करो कल सुबह कुछ काम करो ना करो, उसको पहले उखाड़ो। जितना भी लगाई हो, जो छोटा छोटा मैं क्यारी बना के लगाई थी, जितना भी लगाई हो सबको उखाड़ दो, उखाड़ के सुखा दो। तो मैं क्या करी ना, सारे जितना सुबह क्या घर का काम ख़त्म होने के बाद, चाय वगैरह सब पीने के बाद, सुबह सुबह था, बारिश हुआ था तो ठंड भी लग रहा था, तो चाय वगैरह सब काम ख़त्म होने के बाद 5 बजे से उठ गई थी। 5 बजे काम ख़त्म होने के बाद क्या करी ना, मैं उखाड़ने के लिए चली गई बागान में, और ठंड भी लग रहा था तो इसलिए मैं सर पे जो हमारा क्या बोलते हैं, सर पे जो स्टॉल लगा कर ही मैं उसको उखाड़ रही थी। और उखाड़ते उखाड़ते मुझे 1 घंटा नहीं आधा घंटा लगभग लग गया, क्योंकि जो पानी हुआ था ना, बारिश हुआ था, बारिश की वजह से हमारा जो मिट्टी इतना मिट्टी में नमी था, नरम था, तो मैं इसे इसे उखाड़ दी तो जल्दी से उठ रहा था, मतलब उखाड़ रहा था, तो बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दी। नहीं तो थोड़ा मिट्टी टाइट होता तो मुझे दिक्कत होता, मुझे कोई जो हमारा कोदाल से ही मैं उसको उखाड़ना पड़ता, या छोटे कहीं से भी छोटा वाला जो है उसी में मुझे उखाड़ना पड़ता। लेकिन थैंकगॉड कोई टेंशन नहीं, ऐसे भी उठ गया, और भी सूखता तो अच्छा होता। अभी तो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है उसका, जो प्याज के पत्ते हैं ना, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो मैं सोच रही थी एकदम से सूख जाएगा तो उसके बाद जो हमारा प्याज भी ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा, नहीं तो सड़ जाए, जो हमारा ख़राब हो जाता। इसीलिए मैं सोच रही थी, नहीं वो बोली तो मैं उसको उखाड़ दी हूँ। उखाड़ के मैं क्या करी ना, सारे जो प्याज है सारे लगभग मुझे लग गया था, 45 मिनट लग गया था। मैं 7:45 तक मुझे लग गया था। तो उखाड़ते उखाड़ते उसके बाद क्या करी ना, मैं उसको लेकर छत में डाल दी। थोड़ा सूख जाएगा तो जो गीला था ना, मिट्टी लगा था जो प्याज में, तो वो मिट्टी को थोड़ा सा सूख जाएगा तो मिट्टी निकल जाएगा, ऐसे सोच के मैं ऊपर में उखाड़ दी हूँ। मैं दिखाऊंगी कैसे है, लेकिन मेरे जो बहन है मुझे बोली, मैं बोली हाँ आज मैं उखाड़ दी, मतलब लगभग उसको 12 बजे मैं उसको फ़ोन की, आज ना उखाड़ दी हूँ प्याज को और छत पे डाल दी हूँ, थोड़ा सूख जाए उसके बाद जो करूँगी तो 3 दिन। तो मुझे बोली दीदी ऐसा मत करो, मत उखाड़ो, उखाड़ोगे तो क्या होगा ना, जो मत डालो छत के ऊपर, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा ये। तो मैं उसके बाद क्या करना, गर्मी बहुत गर्मी भी हो रहा था, उसको मैं नीचे लाकर मैं एक रूम में, जो हमारा पलंग है ना, पलंग के नीचे स्पेस था, पलंग के नीचे ही उसको डाल दी हूँ। तो वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, दिखाई देगा। भाई मैं इस साल जितना भी लगाई थी प्याज, मेरा मतलब जितना भी हुआ मुझे अच्छा लगा, चलो कुछ तो हुआ, मतलब अपनी जो मेहनत का फल मुझे मिला। हर साल में मैं लहसुन को ज़्यादा लगाती थी, लेकिन इस साल लहसुन को ज़्यादा नहीं लगाई, बहुत कम लगाई थी, प्याज ज़्यादा लगाई थी। तो प्याज की जितना भी हुआ मुझे बहुत पसंद आया। बैक माय चैनल लिली ग्रुप लोग, फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में सब अच्छे। क्या करें फ्रेंड, सुबह प्याज
उठाते उठाते थक गई हूँ, आज बहुत लेट हो गया, बहुत ही लेट हो गया। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना है क्योंकि कोई भी नहीं है। मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी, मन होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं। और बागान से मैं चलिए लेकर आती हूँ बैंगन, हम मिलके चलते हैं, चलिए। क्या हुआ है मतलब कपड़े को ऐसे तो मैं धो साफ कर दी हूँ, लेकिन उसको से अच्छे पानी हुआ था। इधर देख लीजिए बैंगन, इधर एक बैंगन है, इसको मैं ले लेकर खराब हो जाएगा। चलो ऐसे एक दो बैंगन निकलेगा तो अच्छा होगा। उसके बाद ये ना हमारा जो चना है, थे चना की सब्जी बनाने के लिए जो व्हाइट वाला चना है ना, बड़ा वाला, काला वाला नहीं, व्हाइट वाला चना है, उसको मैं सुबह गर्म पानी से भिगो दी थी और मुझे अच्छा लगता है ये तो, एकदम से भीग जाता तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, रात से भिगोती तो अच्छा होता है, लेकिन मैं क्या करी ना, सुबह गर्म पानी से भिगई, थोड़ा सा टाइट था, लेकिन जो गैस जो हमारा क्या बोले प्रेशर कुकर में दे देंगे तो जल्दी ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में दे दी हूँ। इधर दूध को देखिए मैं छान रही थी, उसके बाद क्या करी ना, हो रहा था जब तक आकर जो कपड़े था, कपड़ों को मैं ऐसे रख दी थी, साफ तो कर दी थी, सर्फ डाल को साफ कर दी थी, ऐसे पानी बिजी बिजी में था, क्या हुआ ना, इतना बिजी नहा रही थी तो मैं अंदर नहा रही थी और बुलाए तो मैं आधा नहा कर बाहर उठी, तो मैं सोची नहीं कपड़े को आज नहीं धोऊंगी, बाद में धोऊंगी, ऐसे सोच कर बाद में धो रही थी। सारे काम ख़त्म, पूजा वगैरह सब, जो हमारा नाश्ता तो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि चूड़ा या कुछ भी मैं खा लेती हूँ तो नहीं बनाई, तो मैं जो सब्जी वगैरह तो बनाना पड़ेगा, और मैं एक ही टाइम सब्जी बना लेती हूँ और दो टाइम खाती हूँ, डिनर में भी लंच में भी बनाती हूँ, अकेले के लिए कितना मैं बनाऊँगी, इसीलिए मैं एक टाइम बना लेती हूँ और दो टाइम खा लेती हूँ, डिनर भी करती हूँ लंच भी करती हूँ। तो ये कपड़े को भी देखिए धो दी हूँ और उसको मैं सुखाने के लिए बाहर ही ले रही थी, अभी तो गर्मी हो रहा है ना, मेरे पट्टिकों में ही उसको सारे कपड़े को डाल दी हूँ, पट्टिकों में ही सूख जाएगा, बाहर डालना नहीं पड़ेगा। बारिश काल हुआ था, आज इतने तेज धूप है देख लीजिए, तो ये देखिए कैसे मौसम भी कैसा लग रहा है ना, तेज धूप रहे तो सारे ये कपड़े को मैं पट्टिकों में ही डाल दी हूँ, वैसे तो सूख जाएगा इतने तेज धूप में ही, तो ये सारे कपड़े डाल दी हूँ। ऐसा हमारा काम होता है, 5 बजे से उठो तो भी काम ख़त्म नहीं होता है, मुझे कैसे भी 5 बजे से मैं उठूँ, कुछ भी काम करूँ फिर भी ख़त्म नहीं होता, मुझे 10 बज तो जाता है, घर का काम, पूजा, खाना, नाश्ता तो नहीं, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और इधर पानी गिर गया था जो हमारा कॉरिडोर में, पानी को भी मैं पोछा लगा रही थी, ऐसा थोड़ा थोड़ा काम दिखाई देता है। और ऐसे मैं क्या करती ना, बाथरूम में पानी डाल देती हूँ तो कॉरिडोर में आ जाता है, तो उसको भी पोछा लगा रही थी। ऐसा काम होता है घर के काम करते करते, इधर मैं जो सब्जी बनाने के लिए प्याज को कट कर रही थी, ये मेरे बागान की ही प्याज है, मुझे अभी खरीदना नहीं पड़ रहा है, एक वीक हो गया मैं उसको नहीं ले रही, मैं सोच रही हूँ कितने दिन तक मेरा प्याज जाता है, मैं वो भी कैलेंडर में ही उसको, मुझे अभी अभी याद आया है, मैं अभी ही उसको क्या करूँगी मतलब टिक दे दूँगी, तो कितने दिनों तक चलेगा मैं देखती हूँ। मेरा जो प्याज देखिए कितना सारा प्याज है, छत के ऊपर दे दी थी, और वो जो बहन है मेरी वो मुझे बोली तो उसको इतना धूप, तेज धूप में उसको नीचे ला रही थी। ये तो ये वाला जो पत्ते लगा हुआ है प्याज, तो वो जो मतलब पत्ते नहीं था, पत्ते सूख गया था, उसको मैं ऐसे छोटे में पछिया में रख दी हूँ, और शाम को देखिए नाखून कट कर रही थी, दोपहर को खाना खाकर मैं सो गई थी और शाम को काम कर जो पानी वगैरह देने के बाद ये खाना खा रही थी, जो नाखून कट करी थी। और ये देखिए ये प्याज मैं जो रूम के अंदर ही डाल दी हूँ, इसके नीचे ही है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।